आयकर को सभी इंक्वायरी। गाइज व्लॉग शूट करने में भूल गया था, एक्चुअली हम जा रहे हैं एक इवेंट पे, आपको पता लग जाएगा। एंड मैं भूल गया था एक्चुअली मुझे व्लॉग शूट करना है। अभी मैं पहुंच रहा हूँ डिग्री कॉलेज डूरू, जा रहा हूँ मैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इवेंट किस बारे में है, ठीक है। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं कॉलेज, अभी नियर अबाउट मेरे कोर क्लब मेम्बर्स 5 की 10 आए हैं, वो अभी बिजी हैं अपने अपने काम में। एंड इवेंट एक्चुअली NIT श्रीनगर का जो स्टाफ है, मेन स्टाफ, जैसे मेरे मेंटर साद परवेज सर, वो आ रहे हैं और डायरेक्ट होगा इनोवेटर टाक यहाँ पे होगा। एंड उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या होगा, थोड़ा सा कुछ आपके लिए सरप्राइज़ है, वो आप देखोगे आगे व्लॉग में कि क्या है वो। गाइज जैसे आप देख सकते हैं सारे क्लब मेंबर्स आ गए हैं, प्रॉपर सारा कुछ सेट है। अभी लगभग हमें लगेगा कुछ टाइम लगेगा, हमें नियर अबाउट 1 घंटा लगेगा अभी ऑर्गेनाइज कैसे करना है, क्या करना है, वो मेंटेन करना है, फिर से उसको चेक करना है कि सब कुछ ठीक है, देन उसके बाद होगा प्रोग्राम स्टार्ट। अभी हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम चेक करने एंड सभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी हाफ ही क्लब मेंबर्स आए हैं, बाकी भी पेंडिंग है, देखेंगे अभी कब तक वो पहुंचेंगे, तब तक हम यहाँ से चेक करेंगे कहाँ पे क्या सेट करना है, वो हो जाएगा फिर लेटर ऑन। इसको चेक करो, प्रोजेक्टर चल रहा है कि नहीं, माइक वाइक चेक। सो गाइज अभी हम वेट कर रहे हैं उनका कॉन्फ्रेंस हॉल में, एंड वो पहुँचे हैं अनंतनाग, कभी भी पहुँच सकते हैं यहाँ। यहाँ सेटअप मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है जैसे हमें चाहिए था, फिर भी हम ट्राई करते हैं इस इवेंट को, इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा करने का। तो सी यू लेटर। फाइनली अभी हम वेट कर रहे हैं उनका, अभी भी तो मेरे क्लब मेंबर्स, कोर क्लब मेंबर्स सारे आ चुके हैं लगभग। मैं आपको उनसे मिलाता हूँ वन बाय वन। नेम तो यही यहाँ के हमें कोर क्लब मेंबर, उबैद हमारे साथ हैं, दानिश हमारे साथ, सबसे यंग इनोवेटर हैं, इनको आप जानते होंगे शायद से, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, उमर कुरैशी, कश्मीरी टैलेंटर्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये हमारे साथ ओए अस्सलाम वालेकुम तनवीर, कोर क्लब मेंबर हमारे साथ है। आगे हम दिखाएंगे आपको इवेंट में क्या क्या होने वाला है, बने रहेगा लास्ट तक। लोग समझते थे कि ये बेकार है, ये कुछ यहाँ पे इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इवेंट्स करे, मैं मास्क उतार सकता हूँ, ये भी देखने चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने 2 इवेंट्स करे हैं, उनमें लगभग 20 स्टूडेंट्स थे। आप नहीं मानोगे उन 20 स्टूडेंट्स में 15 अभी भी मेरे साथ इन टच में हैं, क्योंकि उन 15 स्टूडेंट्स को पता कि कहीं ना कहीं NIFM के साथ काम करना पड़ेगा। हमारा जो आज का प्लान है वो ख़त्म हो चुका है डिग्री कॉलेज डूरू में, अब हम जा रहे हैं डायरेक्टली हायर सेकेंडरी डूरू, वहाँ पे भी स्टूडेंट इंट्रैक्शन है। एंड आप एंजॉय करिए वीडियो को एंड तक, देखिएगा अभी बहुत कुछ होने वाला है। इसके बाद हम वेरी नाग जाने वाले हैं, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बने रहेगा एंड तक वीडियो से। आयकर को सभी इंक्वायरी। तो गाइज
उतर है NIT के स्टूडेंट्स। अभी हमें स्मार्ट क्लासरूम जाना है, हायर सेकेंडरी, ये हमारी हायर सेकेंडरी डूरू, तो मज़ा आने वाला है काफ़ी, देखेंगे। ये नहीं बना तो मुझे कुछ और बनना है, ठीक है? तो जो जो ये और है ना, वो साइड में लेके चलो, नहीं तो लाइफ में कभी उठोगे ही नहीं, ठीक है? जो मैंने अभी बोला ना, कुछ नहीं कुछ नहीं, जाके एक बार यूट्यूब पे चेक करो कितने बच्चे, मतलब कितनों का फेलर। अब मैं बोलता इनोवेशन, मेरी 10th की परसेंटेज 65, मेरी 12th की परसेंटेज 72, मेरे फ्रेंड्स 98 97, बट आज मैं आपको बोलता हूँ, वो जिस NIT के जिस IIT के सपने देख करके आज मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। कैसे कैसे? इनोवेशन। सो गाइस, ये यहाँ पे ट्विंकलिंग लैब है हायर सेकेंडरी डूरू में। हाँ, यहाँ पे ही खाएंगे हम सर, साइड में। अब जा रहे हैं हम गोविंद कुछ खाने, 4 बज चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं खाया है। चलिए हम पहले कुछ खा लेते हैं। गाइस, अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या नाम, गोविंद डूरू, तो ये सभी मरे पड़े हैं, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। आपको मैं अंदर दिखाता हूँ क्या हालत है। वहाँ पे बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है, सारे जो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं अंदर बैठे हुए हैं वेट करें खाने का। और बज रहे इस टाइम 4:22, काफ़ी लेट हो चुका है, अभी लंच भी नहीं करा। आपको मैं दिखाता हूँ अंदर क्या हालत है। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं वेरीनाग, तो देखेंगे क्या होगा आगे, मज़ा आने वाला है काफ़ी। तो फाइनली हमारा आज का इवेंट जो है खत्म हो चुका है। हड़ा यू कुनो हाई विनो लास्ट बाय विनो सॉरी बाय विनो लास्ट